हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम मिलने वाले मिस्टर तिलोक ठाकुर, जो कि अभी F&B डायरेक्टर हैं बेजस्टन होटल में। सारी गाइडेंस के बारे में हम जानेंगे। हाय, दिस इज तिलोक ठाकुर, फूड एंड बेवरेज डायरेक्टर बेस्ट वेस्टर्न। कि आफ्टर लाइक प्लस टू के बाद जो HM में डिग्री या डिप्लोमा स्टूडेंट कर लेते हैं, सो उसके बाद में कहीं ना कहीं जॉब का स्कोप है? इस क्वेश्चन में बहुत सी चीज़ें हमें पहले ही मिल गई आंसर में। देखो, स्कोप तो 100% है, 100% स्कोप है। इसमें स्कोप नहीं होता तो आज इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं चलती। स्कोप 100% है, इसमें जुड़ने की कोशिश करें। ऐसा आप मार्केट में घूम रहे हो या अननेसेसरी बार कोई मस्ती कर रहे हो, उससे अच्छा है कि आप इस इंडस्ट्री को चुनने की कोशिश करें। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त बहुत अच्छा होगा। हम भी छोटे से उठे हुए, मतलब एक छोटे से लेवल से उठे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, स्कोप नहीं है, 100% स्कोप है। अच्छी सैलरी मिली, अब तो हमारे टाइम तो कुछ और स्केल था, अब स्केल बहुत ऊपर हो चुका है। तो इसमें कुछ दो राय नहीं है, आप ज्वाइन करिए। एवरीबॉडी यू कैन ज्वाइन विद अस, एंड हमारे पास बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, हम अच्छी ट्रेनिंग खुद भी देते हैं, एंड अच्छी प्लानिंग होती है। और एवरी होटल, नॉट फॉर आवर होटल, हर 5-स्टार में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, करने को मिलेगी। सर, वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू आस्क यू कि इसमें फ्यूचर में स्कोप क्या है? फ्यूचर में कहने का सेंस है लाइक कि अगर स्टार्टिंग लेवल से एक GSA लेवल हो सकता है या फिर किचन में एक स्टार्टिंग लेवल हो सकता है, तो अपकमिंग फ्यूचर किस लेवल तक अप्रोच कर सकते हैं? इसमें 100% फ्यूचर स्कोप है। इसमें तो 100% फ्यूचर स्कोप है। बंदा भूखा नहीं मर सकता, क्योंकि अपना होटल खोल सकता है, रेस्टोरेंट खोल सकता है, और फर्स्ट तो है जॉब कर सकता है। अगर चलो बिजनेस नहीं कर सकता या कोई नया काम नहीं कर सकता, तो इसमें सबसे पहले तो जॉब का है। जॉब 100% स्कोप है, 100% प्लेसमेंट है, हमारे पास प्लेसमेंट है। हम आपको बता रहे हैं 100% प्लेसमेंट में हम बिलीव करते हैं। और सेकंड चांसेस इसका ये है कि सेकंड चांस में आप अपना हर होटल मैनेजमेंट का कैंडिडेट, हर होटल का मैनेजर अपना फ्यूचर बिजनेस प्लान कर सकता है, अपना होटल खोल सकता है या अपना रेस्टोरेंट खोल सकता है। प्लान है। और नया फोर्थ नंबर पे बंदा आउट ऑफ कंट्री जा सकता है। आउट ऑफ कंट्री में बहुत स्कोप है, 100% स्कोप है। डिपेंड करता है कि बंदे का नॉलेज एंड एक्सपीरियंस सारा करना पड़ेगा। बढ़ने वाली बात करते हैं, बंदा CEO, GM, MD सारे इसी के बनते हैं, जिसने होटल इंडस्ट्री में या तो जिसने होटल मैनेजमेंट किया हो। क्योंकि होटल, मेरे को लगता है कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, लोगों मेरे से सीनियर लोगों का, उनका भी एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। SSA मैंने जनरल मैनेजर, SSA CEO, SSA MDs मैंने देखे हैं जिन्होंने हॉस्पिटैलिटी में 4 चांद लगाए हैं। रीज़न इज़ दैट कि उनके पास डिप्लोमा, डिग्रीज सब कुछ थी, एक्सपीरियंस था, है ना। अपना बिजनेस किया और आगे का स्कोप 100% आउट ऑफ कंट्री को जा सकता है। आउट ऑफ कंट्री में ऐसे भी बहुत स्कोप है लोगों के पास। बट मैं इस इंडस्ट्री से रिलेटेड बातें कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपका स्कोप 100% रहेगा और होगा कंप्लीट। मेल आईडी हम लिंक पे भी शेयर करेंगे, एंड आप अपने CVs, अपने रिज्यूम्स, आप अपना डॉक्यूमेंट्स आप हमें शेयर कर सकते हैं, आपका हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ हम आपको 100% प्लेसमेंट पे काम करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस।